सभी का मेरे YouTube चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी पनीर भुर्जी। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही आसानी से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर, खड़े मसाले, इसमें तेज पत्ते, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची और जीरा लिया है हमने। एक प्याज हमने बारीक कट कर लिया है, एक टमाटर हमने बारीक कट कर लिया है, तीन कलर की हमने यहाँ पे कैप्सिकम ली है, रेड, ग्रीन एंड येलो, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। आइए अपन सबसे पहले पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम मोटी साइड से पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए, बारीक साइड से नहीं करेंगे, मोटा वाला जो साइड है इसी से हमें कद्दूकस करना है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। देखिए, हमने पनीर को बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। गरम होने का वेट करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम खड़े मसाले डाल देंगे। फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से पक गए हैं, अब हम सबसे पहले से प्याज डाल देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम तीनों कलर की कैप्सिकम डाल देंगे। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक हम इनको अच्छे से पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कैप्सिकम भी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम टमाटर डाल देंगे। आइए फ्रेंड्स, मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सिका हुआ जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम पनीर डाल देंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, पनीर भुर्जी की रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है, आप जब चाहें जब तैयार कर सकते हैं। देखिए, लुकिंग में भी बहुत ही बढ़िया लग रही है, मेरे तो मुंह में भी पानी आने लग गया है। देखिए फ्रेंड्स, पनीर भुर्जी एकदम तैयार है, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, आप चाहें तो डालें। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। आइए अब हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, पनीर भुर्जी एकदम रेडी है, हमने सर्व भी कर दी है, अब आप जब चाहें जब लच्छा पराठे के साथ, रोटी के साथ, सिंपल पराठे के साथ बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।